नमस्कार आदाब, इंडिया नजर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की। बुलंदशहर, 9 दिसंबर को सिकंदरपुर यमे रेलवे ट्रैक पर पटरी के टुकड़े मिलने का मामला आज रेलवे के एडीजी जय नारायण ने मौके पर पहुंचकर किया। घटना स्थल का निरीक्षण 9 दिसंबर को सिकंदरपुर में रेलवे ट्रैक पर रखे मिले थे 3 मीटर पटरी के टुकड़े। बड़े हादसे से बाल बाल बची थी झारखंड एक्सप्रेस। बीते 6 दिसंबर को खुर्जा जंक्शन पर भी हुई थी ठीक ऐसी ही घटना। खुर्जा में हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची थी शिवगंगा एक्सप्रेस ट्रेन। मामले में खुलासे के लिए लगी है पुलिस की 6 व जीआरपी की 2 टीमें। खुलासे के लिए एडीजी रेलवे ने जीआरपी को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सर, बुलंदशहर के खुर्जा में डाउन रेलवे ट्रैक पर रेलवे की जो पटरी है उसका हिस्सा मिला था, क्या पूरा मामला है? अभी तक 2 बार ये घटना हो चुकी है। हाँ, 6 तारीख को और फिर 9 तारीख को भी, और दोनों घटनाएं रात में हुई हैं। आज वहाँ सिकंदरपुर में भी और यहाँ पर भी। हम यहाँ के SSP साहब, हमारे SP रेलवे जैसा आप जानते हैं आगरा में बैठते हैं, RPF के अधिकारी सबके साथ हमने निरीक्षण किया। कल जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर आए थे जो इस घटना के बारे में जाते हैं। कई बिंदु हैं जिसमें हम लोग की जो है विवेचना सभी लोग संयुक्त रूप से जाते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सबकी भूमिका है। GRP, RPF, सिविल पुलिस जाते हैं, तो आगे ये घटना ना हो सके इस संदर्भ में हम लोगों ने जाते हैं विचार विमर्श किया। और इस तरह के जो लॉट पड़े हुए हैं इनको काफ़ी कुछ हटाया भी गया है और इन जगहों को चिन्हित भी किया गया है। और यहाँ पर भी जाते हैं सभी जो इकाइयाँ हैं उनके द्वारा जाते हैं और ड्यूटियाँ भी लगाई जा रही हैं। और जो महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है कि किन कारणों से और किन लोगों ने किया है, इसमें हम सभी लोग जाते हैं कई टीमें लगा करके कार्रवाई शुरू कर दी। टीमें इसमें लगी हुई हैं? देखिए, जैसा कि हमने 2 टीमें हमारे GRP की भी जो है SP साहब ने लगाई है जाते हैं मतलब, और यहाँ पर जाते हैं हमारे SSP बुलंदशहर साहब से भी अभी वार्ता हुई है, इन्होंने भी जाते हैं अपने स्थानीय स्तर पर जाते हैं अपनी टीमों को लगाया है। और आज अभी हम लोग इसकी जाते हैं समीक्षा भी एक किए हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, और इसमें जाते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के तहत जाते हैं विभिन्न बिंदुओं पर हम लोगों ने अपनी कार्रवाई अपना जाते हैं सुचारू रूप से कर रहे हैं। जांच में कुछ निकल के आया अभी तक मेरा ये मानना जाते हैं कि अभी स्पेसिफिक अपना जाते हैं मतलब तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कई चीज़ें हैं, कई लोग इसमें जाते अपना जो है पे हमारा शक है जिसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कोई साजिश तो नहीं है जिस तरह से ये सेम घटना यहाँ हुई उसके बाद दूसरी घटना हुई? अब जैसा हमने बताया जाते हैं कि सभी बिंदुओं को हम लोग सम्मिलित करके जाते हैं इसको देख रहे हैं जाते हैं, इसमें कई चीज़ें हैं जैसा हमने आपको बताया कि 6 को घटना हुई फिर 9 को हुई और अपना जाते हैं मतलब, और पहले जो 1.66 मीटर लगभग 1.5 मीटर के करीब था, और उसके बाद जो दूसरी घटना हुई थी उससे बड़ा 3 मीटर का वो रखा गया जाते हैं। तो सभी चीज़ों को हम लोग जो है सम्मिलित करते हुए जब तक कि देखिए अपना जाते हैं इसमें हम लोग अन्य इकाइयों का बीच जाते हैं मतलब सहयोग लेते हुए कार्रवाई अपना जाते हैं। कितने समय में एक मामले का खुलासा कर दिया जाएगा? अभी देखिए जैसा हमने बताया कि हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं, समय बताना जाते हैं तो मुश्किल होगा, लेकिन हम शीघ्र ही जाते हैं इसको। अभी तक सर कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं या नहीं, पूछताछ की जा रही है कुछ लोगों की जाते हैं लेकर के जाते अपना जो है, ये सब चीज़ें अभी हम विस्तृत रूप से बताना सही नहीं है। जब तक कि हम इस रूप में कोई साइंटिफिक कंक्लूजन तक न पहुँचे तब तक इस पर स्पष्ट करना सही नहीं। जो मुकदमा हुआ है शायद कोतवाली में हुआ है, अब वो सब चीज़ें हम लोग आपस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जाते हैं आपस में बैठ करके जाते हैं, कहीं उसमें कोई वो नहीं है। कोतवाली में भी हुआ है, RPF में भी हुआ है, क्योंकि अपना जाते हैं डैमेज टू प्रॉपर्टी जो होती है वो RPF भी दर्ज करती है, तो उसको हम लोग करके जाते हैं कार्रवाई करना है। जैसा भी होगा हम आपको अवगत भी कराते रहेंगे। 135 मेरा CUG नंबर है, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मैं ADG रेलवे हूँ। बुलंदशहर संवाददाता इकराम खान, चीफ रिपोर्टर इंतजार सलमानी। छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सर्च करें indianazarnews.com। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रस मलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर
शाहजी डेयरी से मिठाइयां मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता।